कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है संज्ञा, जिसे हम नाउन भी कहते हैं। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए। देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, हमें उन्हें अच्छे से देखना है। पहले चित्र में क्या है? प्राणी, दूसरे में वस्तु और तीसरे में स्थान। क्योंकि वहां एक लड़का है तो प्राणी, पेड़ है, गिलास है तो वस्तु, आगरा का ताजमहल का चित्र है और कुतुब मीनार वो क्या है? स्थान। ऊपर दिए गए चित्र किसी ना किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के बारे में बता रहे हैं। ये सभी संज्ञा है। तो क्या समझे आप? किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। किसी आदमी का नाम, जैसे राजू एक आदमी का नाम है, ये संज्ञा है। दिल्ली संज्ञा है। तोता, मेज, बकरी, मोर, रमा, ये सब नाम है। ये किसी प्राणी, वस्तु या फिर किसी जानवर के हैं या स्थान के। तो ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। तो चलिए स्वयं करके सीखे, अब हम खुद कुछ कर सीखेंगे। दिए गए चित्रों में से 9 संज्ञा शब्द छांटकर लिखो। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, उसमें से आपको क्या करना है? 9 ऐसे शब्द छांटने हैं जो क्या है? संज्ञा है। तो सबसे पहले क्या है? पक्षी। पक्षी संज्ञा है, तो हम यहां लिखेंगे पक्षी। फिर क्या है? तितली। तितली भी पक्षी है, हम यहां लिखेंगे तितली। पतंग। पतंग वस्तु है, आप यहां लिखेंगे पतंग। पेड़। मंदिर। प्यारे बच्चों, 5 शब्द मैंने छांट कर लिखे, अब 4 शब्द आप स्वयं छांटेंगे और लिखेंगे। व्याकरण में निम्नलिखित प्रकार के नामों को संज्ञा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। विभिन्न प्राणियों के नाम, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि प्राणी स्त्री, पुरुष, डॉक्टर, शिक्षक, छात्रा, ये सब क्या है? संज्ञा है। कुछ विशेष नाम जैसे गौतम बुद्ध, जवाहरलाल नेहरू, मदर टेरेसा, रानी लक्ष्मीबाई, ईसा मसीह, ये भी क्या है? संज्ञा है। वस्तुओं के नाम, कार, चश्मा, रेडियो, टीवी, छतरी, ये सब क्या है? वस्तुएं हैं, तो ये भी संज्ञा है। भाव या अवस्थाओं के नाम, बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, वीरता, ये सब भी संज्ञा है। स्थानों के नाम, उद्यान, बनारस, बस अड्डा, ये सब क्या है? स्थानों के नाम है, तो ये सब भी संज्ञा है। प्यारे बच्चों, अब हमने तो बच्चों हमने यह पढ़ा कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आपने पाठ में क्या पढ़ा और क्या सीखा। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो प्रश्न एक आप स्वयं करेंगे। प्रश्न दो, निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए नाम लिखो। पहला प्रश्न है, अपनी कक्षा की किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम लिखो। आपकी कक्षा में बहुत सारी वस्तुएं होंगी, आपको किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। सबकी कक्षाओं में मेज होता है और क्या होता है? पुस्तक होती है, छात्र होते हैं, बाकी के 2 नाम आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न ख, 5 प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम लिखो। ऐसे व्यक्तियों के नाम लिखने हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, जैसे महात्मा गांधी, बहुत वो है, क्या है ये? बहुत प्रसिद्ध है। तो महात्मा गांधी और मदर टेरेसा, भगत सिंह, बाकी के 2 नाम आप स्वयं लिखेंगे।
प्रश्न का 5 पशुओं व पक्षियों के नाम लिखो। पशु कौन कौन से हो गए? शेर, गाय और पक्षी मोर, कबूतर, कबूतर और पांचवा नाम बताइए। हम लिखेंगे बकरी। बकरी क्या है? पशु है। प्रश्न घ, 5 स्थानों के नाम लिखो। अब आपको 5 स्थानों के नाम लिखने हैं, जैसे दिल्ली स्थान का नाम है, मेरठ, आगरा और बताइए बनारस और एक नाम आप स्वयं लिखेंगे। क्या ये सभी संज्ञा है? हाँ, ये सब संज्ञा है। तो आप बताइए हाँ या नहीं पे हम लिखेंगे। हाँ, ये सब संज्ञा है। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, सही विकल्प पर आपको सही का निशान लगाना है। यह किताब कागज लोहे से बनी है। किताब किससे बनती है? कागज से। अलमारी लोहे कपड़े से बनती है। अलमारी किससे बनती है? लोहे से। गेंद का निर्माण प्लास्टिक कागज से होता है। गेंद का निर्माण प्लास्टिक से होता है। कमीज कपड़े प्लास्टिक से बनती है। कमीज किससे बनती है? कपड़े से। पेंसिल के लिए लकड़ी चमड़े का प्रयोग होता है। पेंसिल के लिए लकड़ी का प्रयोग होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।